जी दोस्तों, बकरियां देखो कैसे इंतज़ार कर रही हैं। इनके लिए लेके आया हूँ मैं फ्रेश घास, जो कि साग है, वो इनको डालते हैं। तो इनका रिएक्शन चेक करना दोस्तों। अभी ये बहुत बेताब हैं, भूखी खड़ी हैं। इनको मैंने पहले किक्कर भी डाला था, लेकिन ये नहीं, इनका पेट भरा, तो इसलिए साग लेके आए हैं। चलो भाई पीछे हटो। साग मैंने दोस्तों उठा लिया है, तो अभी हम वहाँ पर जाके, बछड़े हमारे यहाँ भी भूखी खड़ी हैं, तो इनको भी घास डालते हैं। घास तो मैं लेके आ गया हूँ, ये देखो जैसे मैंने उठा लिया, इसको टोके वाली मशीन पे डाल के पहले इसको कट कर लेंगे। उसके बाद ही दोस्तों तूड़ी पहले उठा लेते हैं, मुर्गियों के काम चेक करें। मैं अभी तूड़ी रख के गया था, इनकी वजह से, मुर्गियों की वजह से मैंने इसको बंद भी किया है। ऊपर टोकरा वगैरह दे रखा था ना ये वाला, तो चलो ये तूड़ी ख़राब ना करे। आप देखो इनके काम यार, ये क्या करें क्या। अब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, इनको बाहर भी ना निकालें तो फिर भी मज़ा नहीं है ना। तो इसलिए तूड़ी ले कर चलते हैं और अपनी बछड़ी को डाल देते हैं। ये पहले ही इंतज़ार खड़ी हैं, देखो कैसे खड़े हैं। यही को गन्ने खा जी दोस्तों, थोड़ी सी तूड़ी डाल दी है और थोड़ी सी हमने बचा ली है, वो बाद में ही डालेंगे। बकरियां भी इंतज़ार खड़ी हैं कि कब हमें डालेगा। इनको भी टोका करके ना, तो वो भी इसके बंदर के अंदर ही डाल देना है। तो ये टोका सही खाती हैं, वैसे ना ख़राब कर देती हैं। चलो साग है, ये भी खाएंगे। चल भाई ये बंद हो जा, चलो पीछे हट पीछे हट पीछे हट पीछे हट। बटन करते हैं ऑन और दोस्तों सब बकरियों ने हमला कर दिया है। घास थोड़ा सा मैंने इनके लिए बचा दिया है, बाकी यहाँ पर है और कुछ हमने यहाँ में डाल दिया है। चलो ये भी खा लेंगी, कुछ टोका खा लेंगी और कुछ वो खा लेंगी। देखो फ्रेश टोका भी नीचे बच गया है, वो भी खाएंगी सुकून से, अपना पेट भर लेंगी। बाहर अब बछड़ियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं, वो देखें, उनको डालते हैं ये वाला। जी दोस्तों, बछड़ियों को घास डाल दिया, अब ये सुकून से पेट भर के घास खाएँगी। ये जो इनका अंदर है ना, सांस चढ़ी हुई है मुझे, ये देखें कैसे इनका पेट फुल हो जाएगा। दोस्तों ये गुलहरियाँ बैठी हैं ना, ये एक ये हो गई, एक वो जा रही है। पहले इनका घोंसला वहाँ पर हुआ करता था ना, अब इन लोगों ने क्या किया है कि ऊपर ही किक्कर के ऊपर ही घोंसला बना लिया है। ये देखें यहाँ पर इन्होंने घोंसला बना लिया है, अब ये सुकून से यहाँ पर रहती हैं और इन मुर्गियों की खुराक पर हमला करती हैं। इनकी खुराक रखते हैं तो ये उनके ऊपर हमला कर देती है। मैंने पानी भरने के लिए बाल्टी यहाँ पर रख दी है, तो ये बाल्टी भर जाएगी, फिर इनके आगे रख देंगे बछड़ियों को आगे, वो भी पियेंगे और बकरियाँ भी पियेंगे, ताज़ा फ्रेश पानी होगा। खुड्डे हमारे सारे खुले हुए हैं, मुर्गियाँ साफ बाहर हैं। जैसा कि आपको पता है मौसम बिल्कुल साफ़ है, सुहाना है, ठीक है। तो 12 बजे ही जाके धूप निकली है, मुर्गियाँ हमारे यहाँ यार अंडे देने वाली हैं। इसके अंदर तो कोई अंडा भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर ओ एक अंडा है भाई। ये पता नहीं कौन सी मुर्गी का है, ये लेकिन दोस्तों ये एक अंडा मिल गया है हमें, ठीक है। चलो ये अच्छी बात है, एक तो मिल ही गया है। पहले भी कुछ इकट्ठे हो रखे हैं, ये इनके नीचे रखेंगे, पता नहीं इन दो मुर्गियों का है ये वाले। ये देखें ये कैसे नागिन खड़ी हैं दोनों। कमेंट्स करके बताना यार, पसंद भी है मेरे मुर्गियाँ के नहीं। चलो ये वाला अंडा जो है ये हम रख ही देते हैं। तो बकरियों ने भी अब घास वगैरह वहाँ पर खाना शुरू कर दिया है, ये जो डाला था हमने वो इन्होंने छोड़ दिया है। बाल्टी हमारी फुल हो गई है, अब हम इसको लेके जाते हैं, जाके अपनी बछड़ियों के आगे रख देते हैं, काली और रत्ती के आगे, सफ़ेद। ओह बहुत वजनी है भाई। बकरियों के काम चेक करें दोस्तों, वहाँ पर घास छोड़ के और यहाँ पर आ गए हैं, आप देखें इनको भागता। चलो साइड पर, वो अपना घास खा लो, तुम्हारी बंदर में डाल के आता हूँ अंदर। यार तुम लोग नहीं खाते, क्या करते हो सारे जू में, तुम लोगों का ही बस हमला है, क्या करते रहते हो।
मोती कल भाग गया था, आज फिर इसको पकड़ के लेके आया हूँ। अब बंद किया है, आज सो रहा है, पता नहीं क्या है। उस दिन भी आते ही 5 रोटियां खा ली। बछड़े अपनी पानी पीने लग गए हैं क्योंकि गर्मी आज दोस्तों बहुत ज़्यादा है, सूरज फुल गर्मी दे रहे हैं, तो इसकी वजह से मुर्गियाँ अब बछड़े अपनी पानी पी रहे हैं, तो उसके बाद बकरियाँ भी पियेंगी, जिस जिसको प्यास लगेगी वही पिएगी। मुर्गियों के लिए हमने वहाँ पर रख दिया है पानी, मुर्गियाँ वहाँ से पीती हैं। चलो अच्छी बात, दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाएंगे। और चिंकू मिंकू जो हमारे हैं ना, वो यहाँ पर बैठे हैं सुकून से, इनको घास की नहीं है क्योंकि ये धूप का ही बस मज़ा ले रहे हैं, बाकी बकरियाँ वहाँ पर हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल भाई, पी लिया तूने क्या? हो ये मुर्गियाँ खड़ी हैं बस यहाँ पर हमला करने के लिए, ये जाए जैसे तैसे करके ये जाए और हम हमला करें, क्या बोलें यार इनको। चलो जाते हैं हम भी, तुम लोग हमला कर दो। देखो एक अंदर आ भी गई, करो भाई करो हमला, एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय। मोती हमारा बाहर ही सो रहा है, वो देखें सुकून से धूप में।